जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर देश के गंदे शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर था, वही अब उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाने लगा है। सिद्धार्थनगर जिले का एक गांव देश का पहला जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वाला गांव बन गया है। इस गांव के ग्राम प्रधान व गांव के लोगों ने जागरूकता की एक मिसाल पेश की है। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर भवनापुर ब्लॉक का हसूरी ओसानपुर का ये गांव इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। इस गांव के एक एक मकान और उसके लोगों का डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध है। यही नहीं, गांव का पूरा मैप अलग से तैयार करवाया गया है। नेपाल बॉर्डर से लगे इस गांव का अपना डिजिटो मैप और वेबसाइट है। गांव के तालाब, गोचर भूमि, कृषि योग्य जमीन, नहरें, सड़कें और घर किसका है, जैसी सभी जानकारी सिर्फ एक लिंक से प्राप्त की जा सकती है। अब हर परिवार का डाटा फीड किया जा रहा है जो एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। खास बात तो ये है कि इस गांव को यह सब करने की प्रेरणा गुजरात के ही गांव पुनसरी से मिली है। हालांकि अब यह गांव पुनसरी से भी ज्यादा हाईटेक हो चुका है। इस गांव का प्राथमिक विद्यालय भी पूरी तरह से हाईटेक है। फर्श पर टाइल्स लगे हुए हैं और शौचालय भी वेस्टर्न स्टाइल के हैं। ऐसा करने में गांव के लोगों की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर रही है। गांव के लोग काफी खुश और उत्साहित हैं। और ये सब सड़क का काम हुआ है, हर एक चीज का, मतलब गंदगी वाला एक बैग हट गया है। पहले बहुत गंदगी रहा, बहुत रहा। कितना खुशी मिली थी, कितना अच्छा लगा था? अब तो अच्छा ही लगता है, अब कौन, अब तो दिनों दिन अच्छा लगी। हमारे गांव में बहुत अच्छा सुविधा हुआ है, इंटरलॉकिंग प्लस जितने नालियां थी सब स्वच्छता की ओर चल रही है, स्वच्छता की ओर गतिविधियां हैं। और जो जैसा कि लग रहा है कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधाएं हो रही हैं, स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, यहाँ तक पंचायत भवन में, मंदिर में, सब बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हो रही है। हमारे गाँव में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई और डस्टबिन सब हो गया है। यहाँ तक कि हम लोग नवयुवक हैं, हम लोगों को सिर्फ इंटरनेट, वाईफाई, कैमरे सब यही सब चाहिए। हम लोगों के लिए वो सब सुविधा हो रही है। नवयुवक भी यहाँ के सब बहुत अच्छे, खुशहाल और अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिलीप मान शहर की तरह, हमारे गांव एकदम शहर की तरह बहुत अच्छा ही, बहुत अच्छा माहौल हो रहा है हमारे गाँव में। और हमारा गाँव में जो है सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा, राउटर यानी वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसके बाद में साउंड लगे हुए हैं कई जगह पर। विद्यालय में भी सबसे सब सुंदर बना हुआ है, जो कि आपके यूपी में भी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। प्राइमरी विद्यालय और जूनियर विद्यालय, वो इंटरलॉकिंग का भी काम चल रहा है इस गांव में। गांव में साफ सफाई का भी काम चल रहा है, डस्टबिन भी लगना 10 दिन के अंदर लग जाएगा। ये कितना अच्छा लग रहा है आपके गांव में? अब हमारा गांव तो सबसे सुंदर लग रहा है। पहले अपनी मिट्टी का तो सबसे भीनी सुगंध, वही तो सबसे सुंदर लगता है, लेकिन अब और सुंदर बन गया है। पहले बहुत गंदगी था, आज इतना सब कुछ करते हुए दिन प्रतिदिन 8 दशक पहले जो है 21वीं सदी में आज ही मेरा गांव स्मार्ट विलेज के नाम से जो है जाना जाएगा, जबकि 21वीं सदी में इतना सब पूरे गांव। गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की शुरुआत गांव के ग्राम प्रधान दिलीप पांडे ने अपने निजी संसाधनों से शुरू की। इसके प्रेरणा उन्हें पुनसरी बनासकांठा गुजरात के एक गांव से मिली। सरपंच दिलीप त्रिपाठी ने पंचायती राज पर दिल्ली में हुए वर्कशॉप में पुनसरी बनासकांठा गुजरात की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तभी उन्होंने ठान लिया कि जब पुनसरी देश का मॉडल विलेज बन सकता है तो मेरा हसूरी क्यों नहीं। बस प्रयास शुरू हो गया, गांव का रीडेवलपमेंट प्लान तैयार करवाया। इसी के आधार पर आज गांव में 23 जगह सीसीटीवी कैमरे, 7 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के तहत 23 जगह स्पीकर लगे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की विशेषता ये है कि सरपंच गांव में हो और कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से सीधे ग्रामीणों के साथ बातचीत कर सकते हैं। ग्राम प्रधान के भाई रोहित त्रिपाठी, जिनकी देखरेख में गांव के डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, इनका कहना है कि गांव के लोगों को हर तरह की सुविधा के साथ साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जब हम हमारे बड़े भाई निर्वाचित हुए ग्राम प्रधान आगे, तो हमारे गांव में बड़ी गंदगी थी, तो विचार आया कि हम अपने गांव को स्वच्छता की तरफ ले जाएं और कुछ ऐसी चीजों का तकनीक नया लाया जाए जो कहीं आसपास ना हो। और हमने अपने गांव में सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई राउटर लगवाए हैं, साउंड सिस्टम लगे हुए हैं और डस्टबिन की व्यवस्था है।
डस्टबिन की व्यवस्था है और शौचालय हमारे 110 बन गए हैं, यहाँ पे 247 में से शौचालय बन रहे हैं, सड़क किनारे पेड़ लग रहे हैं और गांव वालों को जागरूक किया जा रहा है स्वच्छता के लिए। सड़कों का निर्माण तेजी से चल रहा है, अंडरग्राउंड नाली बन रही है और बिजली की व्यवस्था हमारे गांव में सबके यहाँ हो गई है, हर घर पे बिजली हो गई है जिससे लोगों को नई नई चीजों की जानकारी हो टीवी के माध्यम से। और बाकी जो भी नई सुविधाएं आ रही है जैसे कॉमन सेंटर हमने लिया हुआ है, उसमें कॉमन सेंटर के माध्यम से लोगों को बैंकिंग और भी ऑनलाइन जो भी सुविधाएं हमारे गांव में यहीं पे उनको मिल जाएंगी, बाहर कहीं जाने चौराहे पे जाने की जरूरत नहीं है या कहीं जाके लाइन लगाने या था। अब हम जो कि हमारी भाई पैदाइश यही थी तो सोच था कि गांव के लिए कुछ किया जाए, तो हम भी दौड़ते थे बाहर तो परेशानियां हो रही थी कि कहीं जाए तहसील में जाए यहां जाए वहां जाए और बाहर जाए तो दूसरे गांव को मतलब शहरों को देख के लगता था कि क्यों ना हम अपने गांव में कुछ ऐसा करें। हमारे विचार में हमारे मन में वहीं से विचार को था। कहां से आपने ये सोच ली? ये जब हमारे बड़े भाई जब निर्वाचित हुए प्रधान तो गए थे गुजरात से गए, वहां पे एक ग्राम पंचायत है भारत का प्रथम स्मार्ट विलेज पुंसरी, वहां पे उन्होंने देखा और वहां के सरपंच से। इंसान में अगर हौसला हो तो उसके सपने जरूर साकार होते हैं। आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद आम लोगों से नेताओं का मुंह मोड़ लेना तो आम बात है, लेकिन सीमित संसाधन में दिलीप पांडे ने गांव को हाईटेक कर जो मिसाल पेश की है वह अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।